और एक बार फिर आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सेना के कार्यक्रम में। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री आज जोधपुर में जवानों के बीच सेना के इस कार्यक्रम में, एक तरफ शहीदों को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप तमाम अधिकारियों को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज इस जश्न में शामिल हुए हैं, जबकि देश के 50 से भी ज्यादा शहरों में आज के दिन को शौर्य दिवस, पराक्रम पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, 28 से 30 सितंबर। 28 सितंबर 2016 ये वो तारीख है जब सेना के जवान बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए, और तमाम वो आतंकी लॉन्च पैड्स जहां से आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसते थे और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे, उन्हें नेस्त नाबूद किया। और सेना के इसी साहस और पराक्रम को सलाम करते हुए एक जश्न के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री जोधपुर में मौजूद, सेना के तीनों अंग आज इस कार्यक्रम में शामिल, थल सेना, वायु सेना, इसके अलावा नेवी। 28 से 30 सितंबर तक सरकार देश के अलग अलग शहरों में यह कार्यक्रम चला रही है। इससे पहले अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री ये कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी था और एक कड़ा फैसला हमारी सरकार ने लिया जिसके तहत सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की। उरी हमले के जवाब में भारत ने यह कदम उठाया था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में भी किया, और जवानों के इसी शौर्य को सलाम करते हुए, उनका मनोबल और बढ़ाते हुए, उनकी ताकत को सलाम करते हुए ये कार्यक्रम देश के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास तस्वीरें जोधपुर की, इसलिए क्योंकि यहां पर बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है और प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर इस बात को लेकर निशाना भी साधा जाता रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को सेना ने अंजाम दिया, जवानों ने अंजाम दिया, उसका श्रेय सरकार क्यों लेती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष, सरकार का यह कहना कि जवानों के शौर्य को नमन करने के लिए, सलाम करने के लिए और उसका जश्न मनाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, और जब जब इसके लिए मौका मिलेगा वो किया जाएगा। तो यहां पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
लगातार तस्वीरें आपको हम जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने पर पराक्रम पर्व बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर मौजूद। आज के दिन में अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के यहां पर है। एक तरफ जवानों के शौर्य को याद किया, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं आज यहां पर एक एग्जीबिशन का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेंगे। शान से यहाँ पर तिरंगा लहराता हुआ और प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, मातृभूमि के लिए जिन जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर सर्वोच्च बलिदान दिया उन्हें याद करते हुए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन कोणार्क स्टेडियम जोधपुर मिलिट्री एरिया, जहां पर इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है। एग्जीबिशन को भी अभी यहां पर इनॉग्रेट किया जाएगा, प्रधानमंत्री ही इसे इनॉग्रेट करेंगे, जहां पर जवानों का जीवन कैसा होता है, किस तरह के हथियारों का वो इस्तेमाल करते हैं, उनके शौर्य और उनकी ताकत को बयां करती हुई तस्वीरें, इक्विपमेंट्स, अलग अलग तरह का साजो सामान मौजूद होगा, जिसे बच्चों के लिए भी खोला जाएगा, आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। ये सेना के जवान प्रधानमंत्री की अगुवाई करते हुए उन्हें आगे की कार्यक्रम की तरफ बढ़ाते हुए, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां मौजूद। अब इस पुस्तक में अपना संदेश लिखते हुए, बहुत अहम ये संदेश इस तरह के कार्यक्रमों में भी होते हैं, क्योंकि ये एक यादगार के तौर पर, एक इतिहास के तौर पर अक्षर हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं इन स्मृतियों में। हालांकि जब अपना संदेश पूरा लिख लेंगे प्रधानमंत्री, तो वो जानकारी भी सामने आएगी कि उन्होंने इस पुस्तक पर क्या मैसेज दिया। लेकिन अलग अलग मंचों से सर्जिकल स्ट्राइक का वैसे भी प्रधानमंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कड़ा फैसला हमने लिया और जवानों ने जैसा उन्हें कहा गया था वैसा करके दिखाया।
पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, आतंकियों का खात्मा किया और फिर सुरक्षित वापस लौट आए। 28 सितंबर 2016 जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और सेना के इस कदम की जमकर तारीफ हुई, तो दूसरी तरफ विवाद इस बात को लेकर कि सरकार सेना के इस पराक्रम का श्रेय क्यों लेती है। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा ही इस पर मजबूत जवाब यही दिया गया कि सेना के हिम्मत को जब जब जश्न के तौर पर मनाना होगा तो ऐसा कोई मौका छोड़ा नहीं जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।